ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। नोएडा से खबर है जहां नहीं थम रहा भू माफियाओं का आतंक। घर देने के नाम पर गरीबों से ठगी कर रहे हैं भू माफिया। कमिश्नरी सिस्टम में से भी नहीं बाज आ रहे भू माफिया। न्यूज वन इंडिया की खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। न्यूज वन इंडिया के पास है माफियाओं के खिलाफ FIR की कॉपी। माफिया सचिन, विकास, सौरभ, विजेंद्र के खिलाफ FIR की गई है। प्रेमवती शशि पर धोखाधड़ी की FIR दर्ज की गई। थाना सेक्टर 49 इलाके का ये पूरा मामला है। तो नोएडा में नहीं थम रहा भू माफियाओं का आतंक। घर देने के नाम पर गरीबों से ठगी कर रहे हैं भू माफिया। कमिश्नरी सिस्टम में भी नहीं बाज आ रहे हैं भू माफिया। न्यूज वन इंडिया के पास है माफियाओं के खिलाफ FIR की कॉपी भी। माफिया सचिन, विकास, सौरभ और विजेंद्र के खिलाफ FIR की गई, जिसकी कॉपी न्यूज वन इंडिया के पास है। प्रेमवती शशि पर धोखाधड़ी की FIR दर्ज की गई है। तो थाना सेक्टर 49 इलाके का ये पूरा मामला है जहाँ गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं भू माफिया। और कमिश्नरेट सिस्टम में भी नहीं संभल पा रहा, नहीं काबू प्रशासन पा रहा, काबू पा रहा इन भू माफियाओं पर। तो FIR इन भू माफियाओं के ऊपर दर्ज की गई है, उसकी रिपोर्ट भी न्यूज वन इंडिया के पास है। माफिया सचिन, विकास, सौरभ और विजेंद्र के खिलाफ FIR की गई है। प्रेमवती शशि का नाम भी इस FIR में है। तो थाना सेक्टर 49 इलाके का पूरा मामला है। तो घर देने के नाम पर गरीबों से ठगी करते हैं ये भू माफिया। पैसे लूट लेते हैं लेकिन घर नहीं देते हैं। तो सेक्टर 49 नोएडा के थाने में FIR भी दर्ज की गई है, जिसकी रिपोर्ट भी न्यूज वन इंडिया के पास है। लेकिन अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई है? कमिश्नरेट सिस्टम इसलिए लागू किया गया था ताकि कानून व्यवस्था मजबूत हो सके, उसमें सुधार हो सके और ऐसे आतंकियों पर, ऐसे बदमाशों पर, भू माफियाओं पर काबू पाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। FIR कर ली गई है, धोखाधड़ी का आरोप दर्ज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी खुले घूम रहे हैं और गरीबों के पैसे लूटने से बाज भी नहीं आ रहे हैं। घर के नाम पर गरीबों के पैसे लूटते हैं और घर भी नहीं देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो सचिन, विकास, सौरभ, विजेंद्र और शशि, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है सेक्टर 49 थाने में।